अमेठी से, नेत्र रोगियों की सेवा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, अभिषेक गोपी वाजपेयी ने कहा। जनपद अमेठी तहसील तिलोई क्षेत्र के विकास खंड सिंहपुर के ग्राम पंचायत जेहटा उसराहा में इंदिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय व अनुसंधान केंद्र मुंशीगंज अमेठी की तरफ से निःशुल्क नेत्र प्रत्यारोपण शिविर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर सत्य प्रकाश मेहता के द्वारा शिविर में 245 लोगों की आंखों का जांच किया गया। वहीं 80 मरीजों को मोतियाबिंद के बेहतर इलाज व ऑपरेशन के लिए अस्पताल बुलाया गया। 40 मरीजों को नजर का चश्मा प्रदान किया गया। बताते चले कि यहां से जांच करवाए हुए मरीज ऑपरेशन के लिए निशुल्क रूप से अस्पताल जाएंगे। शिविर में दिखाए हुए मरीजों का ऑपरेशन पूर्णतया निशुल्क किया जाएगा, साथ ही साथ काला चश्मा और दवाई भी दी जाएगी। नेत्र शिविर में अस्पताल भेजे गए मरीजों को शल्य चिकित्सा पश्चात अस्पताल की गाड़ी द्वारा नेत्र शिविर स्थल पर ही वापस छोड़ा जाएगा, जिससे मरीज आसानी से अपने घर सुगमता से पहुंच सकेंगे। शिविर का उद्घाटन वरिष्ठ समाज सेवी गोपी चंद्र वाजपेयी, डॉक्टर सत्य प्रकाश मेहता और अभिषेक वाजपेयी सह नेत्र शिविर आयोजक के द्वारा फीता काट कर किया गया। इसका शुभारंभ इस मौके पर कल्पनाथ यादव, शालिनी सिंह, काम्या वाजपेयी, सलोनी नीलम मौर्य सहित अस्पताल के स्टाफ ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में आए लोगों को संबोधित करते हुए वाजपेयी ने कहा कि आंखें कुदरत की अनमोल सौगात है, इसे सहज कर रखना हम सभी के लिए जीवन पर्यंत सुखदायी है। वहीं चिकित्सकों ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश तेजी से तरक्की कर रहा है। आंख शरीर का सबसे कीमती और महत्वपूर्ण अंग है, इसकी नियमित और सजगता से देखभाल करना जरूरी है। शिविर में आसपास के गांव के 245 लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया। इस शुभ अवसर पर राम सुंदर यादव, पप्पू महादेव गुप्ता, मुकेश विश्वास, सनी कश्यप, बच्चू लाल वर्मा सहित आदि लोगों का विशेष रूप से सहयोग रहा। अमेठी से संवाददाता प्रवीण शुक्ला की खास रिपोर्ट।